हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ फेबर कैसल नीडेबल आर्ट इरेजर। ये इस तरह के पैकिंग में आते हैं, इसमें कलर्स आपको मिल जाते हैं पिंक एंड ब्लू है, दो कलर है। तो खैर कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट कलर तो ऐसे ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक इरेजर की MRP होती है 55 रुपीज़, और ये इरेजर जो है बनता है मलेशिया में, इस तरह के डब्बे के पैकिंग में आता है। इस इरेजर की खासियत ये है कि ये जो है आप जो स्केच करते हैं पेंसिल से या फिर ऑयल पेस्टल से, तो उसको जो है लाइटनिंग करने, शेडिंग देने वगैरह या मिटाने के काम में आती है। ऐसे तो नॉर्मल इरेजर से मिट जाता है, लेकिन वो शेडिंग वगैरह के लिए ये होता है। ये बहुत सॉफ्ट होता है, देखिए ये देखिए, इस तरह से दबा देने से एकदम ये चेंज हो जाता है, शेप भी इसका चेंज हो जाता है। तो मैं आपको यूज़ करके थोड़ा दिखाता हूँ। इस तरह से ये प्लास्टिक में रह पाता है तो चिपक जाएगा, थोड़ा चपचपा होता है। तो ये जैसे स्केच पेंसिल्स है फेवर कैसल की, तो स्केच पेंसिल से हम लोग करेंगे कुछ आर्ट। तो जैसे मैंने ले लिया है अभी 5B, अच्छा डार्क ही होता है पेंसिल। तो जैसे मैं उतना अच्छा आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल एक बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये मैंने घर बना दिया। अब इसमें समझ लीजिए मैंने थोड़े थोड़े शेडिंग वगैरह की है। अब ये जो शेडिंग का पार्ट है इसमें, अब जैसे मुझे इसको आप देख सकते हैं कहीं अनइवननेस है, थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रोक्स दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे अब इसको मिलाना है थोड़ा, तो मैं क्या करूँगा, ये जैसे ये इरेजर है, इससे लेके हल्का हल्के एकदम हल्के हाथ से आप देख सकते हैं कितना लाइट हो गया। इसने तुरंत, ये देखिए तुरंत इसने एब्जॉर्ब कर लिया उस चारकोल को। और ये इस तरह से होता है, आपको जिस तरह की शेप में इसको यूज़ करना है आप उसको ऐसे दबा के शेप चेंज ही कर सकते हो, और शेप चेंज करके फिर से जो है उसे उस हिसाब से, जैसे आपको यहाँ से कोई एक कोना को पकड़ के ऐसे ऐसे मिटाना है, इस कोने को पकड़ के मिटाना है, एक बार टच करते ही मिट जाता है। तो ये जनरली इसी के काम के लिए आता है, नॉर्मल ऐसे नहीं है कि ABCD या कुछ लिखा हुआ है उसको मिटाने के, बच्चों के काम के लिए नहीं होता है, आर्टिस्ट वर्क के लिए होता है। इसलिए इसकी MRP भी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो यही मैंने आज दिखाना था आपको। अगर आपको ये अच्छा लगा प्रोडक्ट, आपके काम का प्रोडक्ट है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे जाके आप ख़रीद भी सकते हैं इसे। तो यही था आज का वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और भी ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने गए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे छोटे वीडियोस में बनाते रहूँगा जल्दी जल्दी, और आपको कुछ नए अच्छे अच्छे नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहूँगा स्टेशनरी के बारे में। ओके, थैंक यू।